हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर मेकअप बेस का है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मेकअप बेस कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लाइंट के क्लिंजिंग कर चुके हैं। इसके बाद मैंने टोनर का यूज़ किया है जो कि मैक ब्रांड का था, और इसके बाद मैं एम्ब्रॉयलिस ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इसके बाद मैं रिकॉर्ड ब्रांड का ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन ज़्यादा ड्राई है, तो इससे क्या होगा कि उनका जो बेस है वो फटेगा नहीं और अच्छे से उसके ऊपर प्रोडक्ट का एब्जॉर्वेशन हो जाएगा, तो अच्छा ग्लो आएगा फेस के ऊपर। इस तरीके से मैंने अच्छे से रिकॉर्ड ब्रांड का जो ऑयल है उसको यूज़ किया है ताकि जो हमारा बेस है वो ड्राई ना हो। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा हम लोग उसको पेपर टिश्यू से क्लीन कर देंगे इस तरीके से। आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी, तो इस तरीके से आप क्लीन करेंगे। स्ट्रोक क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैक ब्रांड की। अंडर आई डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पर मेरे को अनइवन स्किन टोन दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। उसी एरिया के ऊपर ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा उसको वहाँ से शिफ्ट नहीं करना प्रोडक्ट को, उसी एरिया पर डैप डैप करके हम लोग उसको ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके बाद अच्छे से इसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे, इससे हमारा जो करेक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ऑरेंजनेस नहीं आएगी हमारे मेकअप में। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो फॉरएवर 52 ब्रांड का ग्लो गर्ल के नाम से लूज़ हाईलाइटर है, जिसका शेड है GGH002, और इसमें हम लोग फॉरएवर 52 का बूस्टर ऑयल आता है उसको मिक्स कर देंगे, और दोनों को मिक्स करके हाइलाइटेड एरिया पे मैं लगा रही हूँ, जिससे कि अच्छा सा एक इंटरनल ग्लो आता है मेकअप में, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम लोग इसकी एप्लीकेशन कर देंगे। इसके बाद फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फेस पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि फॉरएवर 52 ब्रांड का प्रो फाउंडेशन है, शेड है कस्टर्ड। इसको मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ, उसमें कोई और शेड मिक्स नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे क्लाइंट का जो फेस है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, और इनका जो अंडरटोन है वो वार्म अंडरटोन है, तो वार्म अंडरटोन वालों के ऊपर ये कस्टर्ड फाउंडेशन बहुत अच्छे से जाता है जो कि फेयर होता है। तो इस तरीके से कस्टर्ड फाउंडेशन को लगा के मैंने स्मैश बॉक्स ब्रांड के स्प्रे किया है जो कि एक ड्यू फिनिश देगा फेस के ऊपर, तो इस तरीके से, और अच्छी से लास्टिंग भी इसकी अच्छी रहेगी। जब भी हम लोग फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तब हम लोग इस तरीके से टोनर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टोनर आप लोग हमेशा याद रखेंगे, अगर ड्राई स्किन होगा तो ड्यू फिनिश टोनर यूज़ करेंगे, और जब भी आपका ऑयली स्किन होगा तब आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड जो अपने टोनर आते हैं उनको यूज़ करेंगे, ताकि जो सीबम है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो अभी क्या विंटर्स चल रहे हैं और क्लाइंट की स्किन जो है ड्राई है, तो ड्यू फिनिश जो टोनर है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि स्मैश बॉक्स ब्रांड का है। आप लोग मैक का भी ले सकते हैं।
हैंडवर्क भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा बेस है वो ड्राई ना हो और अच्छे से जो हमारा प्रोडक्ट है वो ब्लेंड हो सके, और छोटे छोटे एरिया पे हम लोग फिंगर से अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस तरीके से डैब डैब करके मैंने अच्छे से फाउंडेशन को लगा दिया है। कॉन्टोरिंग एरिया पर मैंने कॉन्टोर लगाया है जो कि मैं फॉरएवर 52 ब्रांड की पैलेट में से ही ले रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं अपर साइड में ब्लेंड करूँगी ताकि जो हमारे फेस की शेप है वो थोड़ा सा, आपने देखा कि ब्रॉड है तो इसको स्लिम दिखाने के लिए हम लोग कॉन्टोर कर रहे हैं। इस तरीके से अपर साइड में हम लोग ब्लेंड करेंगे। जब भी हमको बहुत हार्ड कॉन्टोर दिखाना हो, फेस की शेप बहुत ज़्यादा इन्हेंस करनी हो, तब हम लोग जो कॉन्टोर यूज़ करेंगे वो डार्क शेड का करेंगे। लेकिन अभी हमें लाइट कॉन्टोरिंग ही दिखानी है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना, तो हम लोग मीडियम टोन का कॉन्टोर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टोरिंग शेड। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टोर करेंगे फेस को पतला दिखाने के लिए। फोरहेड एरिया पर भी मैं कॉन्टोर करने जा रही हूँ। इस तरीके से मैं अपर साइड में ब्लेंड करूँगी इसको। जॉ लाइन पे हम लोग कॉन्टोर करेंगे। इसके बाद नोज एरिया पे हम लोग कॉन्टोर करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम दोनों साइड लाइंस डालेंगे जो नोज है उसको थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए, और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हाइलाइटिंग एरिया पर हम लोग टार्ट ब्रांड का हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं साथ के साथ। लिक्विड ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर देंगे। टैम्प टू का मैं जो फाउंडेशन है एयर ब्रश मशीन से मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेकअप की लास्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्रीज लाइन पे हम लोग अच्छे से डैब डैब करेंगे ताकि इतनी भी हमारी क्रीज आ रही है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे ताकि जो हमारी लाइंस हैं उसमें पाउडर फिल हो जाए और जो हमारा बेस है उसकी लास्टिंग और अच्छी हो जाए। इस तरीके से हम लोग पाउडर से बेस को फिक्स करेंगे, और जहाँ जहाँ लाइन्स हैं वहाँ पर पहले ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करेंगे, उसके बाद ही पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इस तरीके से देखिए, पहले डैप करेंगे उसके बाद हम लोग पाउडर लगाएंगे। इस तरीके से जिस भी एरिया पे मैं पाउडर की एप्लीकेशन करने जा रही हूँ उससे पहले मैं वहाँ पर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ ताकि जो लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएं। इस तरीके से नेक एरिया पर भी पूरा हम लोग कवर कर देंगे, और इस तरीके से जो हमारा बेस है बिल्कुल नेचुरल है आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इस मेकअप बेस को हम लोग फिक्स कर देंगे
ये मेकअप फिक्सर है, मेकअप फिक्सर का काम भी करता है, टोनर का काम भी करता है। जब हमको प्रोडक्ट जो ब्लेंड करना होता है तब ये टोनर का वर्क करता है। तो इस तरीके से जो आपने देखा हमारा आज का मेकअप बेस हमने किस तरीके से बनाया, जो कि एयर ब्रश मेकअप बेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।